लॉकडाउन 4.0 में शराब की दुकानें झारखंड में खुल गई हैं, लेकिन दिल्ली एवं अन्य राज्यों की तरह यहां भी शराब महंगी हो सकती है। सरकार शराब पर अतिरिक्त कर लगाने की तैयारी में है, इससे राज्य में शराब 25% तक महंगी हो सकती है। दरअसल सरकार कोरोना सरचार्ज लगाकर शराब को MRP से अधिक दर पर बेचने की कोशिश में है। उत्पाद विभाग इसको लेकर दूसरे राज्यों में लिए जा रहे कोरोना सरचार्ज के नियमों को देख रहा है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त कर लगाने की विचार की जा रही है। महंगी होने पर लोग इसे कम खरीदेंगे, साथ ही राजस्व की भी प्राप्ति सरकार को होगी। झारखंड में पहले से ही शराब पर 50% वैट लागू है। राज्य सरकार को शराब से हर साल 2000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। उत्पाद विभाग ने सोमवार को शराब व्यवसायियों के साथ बैठक की, जिसमें लॉकडाउन में ऑनलाइन और ऑफलाइन शराब बेचने पर सहमति बनी। बैठक के बाद उत्पाद आयुक्त विनय चौबे ने बताया कि SOP तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद शराब बिक्री को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही शराब बेचने का निर्देश दुकानदारों को दिया गया है। उन्होंने बताया कि 31 मई तक जितनी शराब उठाई जाएगी उतने का ही कर देना होगा। बैठक में शामिल कारोबारियों ने बताया कि सेस 3 भागों में लिया जा सकता है। शराब पर 20%, 25% और 30% तक सेस लगाकर बेचा जा सकता है। ऑनलाइन बिक्री के लिए जोमेटो और स्विगी को पहले शराब मुहैया कराई जाएगी। दुकान पर मौजूद लोगों से ज्यादा ऑनलाइन डिलीवरी को तवज्जो दी जाएगी।